देवरी नगर में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा के सदस्यों द्वारा अवैध शराब विक्रय पर रोक लगाने हेतु नगर में बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने नगर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शराब जैसी नशीले मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने हेतु भगवती मानव कल्याण द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और अनुविभागीय अधिकारी SDOP पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देवरी नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का परिवहन और विक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण नौजवान और गरीब मजदूर वर्ग के लोग इस अवैध शराब कारोबार का शिकार हो रहे हैं और नशे की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जिसके परिणाम देश हित में ठीक नहीं है। SGN न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। कि हम लोगों ने जो गांव गांव में अवैध शराब का परिवहन और विक्रय हो रहा है, जिसके कारण समाज में पूरी युवा पीढ़ी, बच्चे, बुजुर्ग ये सब नशे की ओर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ SDOP महोदय जी को ज्ञापन दिया। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो शराब का अवैध परिवहन और विक्रय हो रही है उसको बंद किया जाए।